फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आलीशान होटल दुआ विलास के मालिक बने ज्ञानेंद्र चौधरी और सचिन चौधरी पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। दबंगई और पैसे के बल पर उसका असर शासन और प्रशासन में साफ देखा जा सकता है। तेल पाइपलाइन से कई करोड़ का तेल चुराने के आरोप में भले ही ज्ञानेंद्र जेल जा चुका हो, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे उत्तम चरित्र का प्रमाण पत्र देने में भी गुरेज नहीं किया। हापुड़ रोड पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए समस्त औपचारिकताएं भी उसी जिला प्रशासन ने पूरी की थी, जिसने उसे अब भू माफिया घोषित कर दिया। FIR दर्ज हो चुकी है। दोआब विलास पर सील लगाने और जमींदोज करने का प्राधिकरण ने तैयारी भी पूरी कर ली है। कई IAS और PCS अफसरों ने बेहद करीबी रिश्ते होने के नाते माना जा रहा है कि ज्ञानेंद्र चौधरी और सचिन चौधरी पर कड़ी कार्रवाई का असर उन सेवानिवृत्त IAS और PCS अफसरों पर भी पड़ सकता है, जिनका पैसा दोनों के व्यवसाय में लगा हुआ बताया जा रहा है। बहरहाल माना गया कि शासन स्तर पर कोई पेच फंसने के कारण ही ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, अन्यथा संपूर्ण बाईपास पर अधिकांश होटल अथवा बड़े निर्माण नाले की जमीन पर ही किए गए हैं। कई बिल्डरों ने सरकारी जमीन पर कॉलोनियां काट दी, लेकिन उस तरफ कार्रवाई का रुख नहीं किया जो इस बात की तस्दीक करता है। करीब दो दशक पूर्व ज्ञानेंद्र चौधरी और सचिन चौधरी ने अभिनव एडवर्टाइजिंग के नाम से PL शर्मा रोड पर अपना कारोबार शुरू किया। दबंगई और पैसे का असर ये हुआ कि देखते ही देखते नगर निगम के होर्डिंग्स कारोबार में इन दोनों का सिक्का चल निकला। नगर निगम के अफसर और होर्डिंग्स प्रभारी ने इनके इशारे पर नाचना शुरू कर दिया। निगम में इसका विरोध भी हुआ तो अफसरों, जिसमें PCS भी शामिल थे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। ज्ञानेंद्र और उसके पक्ष में निर्णय लेते रहे। अगर कहीं विरुद्ध निर्णय लेना भी पड़ा तो विभागीय मिली भगत से ही चौधरी बंधुओं ने अदालत का स्टे ले लिया, जिसे नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों ने भी खत्म कराने का प्रयास नहीं किया। हाल ये हुआ कि नगर निगम में नगर आयुक्त और होर्डिंग प्रभारी कोई भी नियुक्त हुआ हो, दोनों को ही हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था। एक तत्कालीन नगर आयुक्त ने तो इनकी तरफ से जैसे आंख ही मूंद ली थी। अब वो PCS अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कई बार अवैध रूप से शहर में छाए यूनिपोल गिरने के कुछ लोगों की मौत हो गई है। मंडल आयुक्त ने कड़े तेवर अखबारों में दिखाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज भी शहर अवैध होर्डिंग्स और जानलेवा यूनिपोल से पटा पड़ा है, लेकिन नगर निगम के अफसर और प्रभारी आंख बंद किए बैठे हुए हैं। समझा जा सकता है कि आखिर क्यों। यूनिपोल के ही मामले में ठेकेदार ज्ञानेंद्र चौधरी और उसके साथियों ने पार्षदों से मारपीट तक कर डाली, जिस पर संगीन धाराओं के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसमें भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आवास पर मौजूद ज्ञानेंद्र चौधरी ने भाजपा पार्षद रविंद्र तेवतिया पर रिवॉल्वर तान दी थी। ये मामला तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के सामने उठा, लेकिन नतीजा ढाक के पास ही रहा। ज्ञानेंद्र चौधरी का नाम उस वक्त एकाएक ही सुर्खियों में आ गया जब परतापुर में तेल चोरी के आरोप में ज्ञानेंद्र को जेल जाना पड़ा। दरअसल NH-58 पर कुंडा के पास से IOCL के ऑयल डिपो तक पेट्रोल डीजल की पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन में साल 2014 में सेंधमारी कर बड़ी मात्रा में तेल चोरी का इल्जाम ज्ञानेंद्र पर लगा, जो सच निकला। जब IOCL की टीम ने जांच की तो पता चला कि ज्ञानेंद्र चौधरी यहाँ से पाइपलाइन गुजर रही थी, वहां की चार दीवारी में तेल चोरी कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने ज्ञानेंद्र के खिलाफ अपनी चार्जशीट दाखिल की और मामला अदालत में विचार अधीन है। यहाँ पर बात दिलचस्प ये है कि ज्ञानेंद्र पर तेल चोरी का आरोप है और पुलिस चार्जशीट अदालत में जमा कर चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने हापुड़ रोड पर उसे नए पेट्रोल पंप का लाइसेंस जारी कर दिया। यानी कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने तथ्य को पूर्णतः नजरअंदाज किया था। ज्ञानेंद्र का हापुड़ रोड पर ये वही पेट्रोल पंप है जहां करीब 24 किलोमीटर की दूरी तय कर नगर निगम के डिपो से वाहन पेट्रोल और डीजल लेने के लिए आते हैं। ये भी ज्ञानेंद्र और सचिन की नगर निगम के अफसरों और जन प्रतिनिधियों से मिली भगत की तरफ इशारा करने के लिए काफी है। अभी भी हाल ये है कि निगम के कूड़ा वाहन एक चक्कर लगाकर हापुड़ रोड स्थित कूड़े घर पर खड़े रहते हैं। इन अफसरों, जनप्रतिनिधियों और पंप मालिक की कारगुजारियों का असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वच्छता अभियान मोटा पैसा खर्च होने के बाद भी परवान चढ़ता नजर नहीं आता।
शहर गंदगी से पटा हुआ है और नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब होटल दुआब विलास में सरकारी नाले की जमीन पर कब्जा पाते हुए जिला प्रशासन ने ज्ञानेंद्र चौधरी और सचिन चौधरी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी है। साथ ही दोनों को भू माफिया भी घोषित कर दिया गया है। इस होटल निर्माण और करीब 946 वर्ग मीटर जमीन कब्जाई गई है जिसकी कीमत 26 लाख रुपए आंकी गई। दोनों के नाम भू माफिया पोर्टल पर भी दर्ज कराए गए। वर्तमान में दोनों के मोबाइल बंद हैं और दोनों ही गिरफ्तारी अथवा अन्य कार्रवाई से बचने के लिए भूमिगत हो गए हैं। पुलिस ने दोनों के आवास प्रतिष्ठान और अड्डों पर दबिश डाली। संपूर्ण मामले का दिलचस्प पहलू ये रहा कि ज्ञानेंद्र चौधरी और सचिन चौधरी की जिस होटल दुआब विलास को अब अवैध बताया जा रहा है उसको सराय एक्ट में पंजीकृत करने की सिफारिश खुद पुलिस ने पहले की थी। गत 17 मार्च को प्रतापपुर थाने के सब इंस्पेक्टर सुराज सिंह ने संस्तुति करते हुए सीओ को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में भी जेल जा चुके ज्ञानेंद्र और सचिन का चरित्र उत्तम बताया गया। दरोगा की रिपोर्ट पर सीओ चक्रपाणी त्रिपाठी ने 29 मार्च को संस्तुति करते हुए ये रिपोर्ट एसपी सिटी को भेज दी। लेकिन आलम अब आपकी आंखों के सामने है। हमें इजाजत दीजिए लेकिन इस मामले पर अपनी नजर डालिए और आपके मन में कोई सुझाव या कोई विचार या फिर कोई कॉमेंट हो तो लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।